हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर सेवेंथ चैप्टर इंडिया क्लाइमेट। सो स्टूडेंट, वी आर रीडिंग अवर सेवेंथ चैप्टर इन विच वी लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेटिक डिफ्रेंसिएशन। हमने हमारे सेवेंथ चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा है अभी तक? जो वेदर होता है और क्लाइमेटिक डिफ्रेंसिएशन, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ना इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट एंड द विंटर सीजन। आज क्लास में हम क्या करेंगे? क्लाइमेट एंड विंटर सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। द क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। एक जल क्लाइमेट में क्या होता है? एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, एक एरिया की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। मतलब एक किसी भी एरिया का जो मौसम है सामान्य रूप से एवरेज में कैसा रहता है, लमसम वो लंबे समय तक किस तरह का जो मौसम वहाँ रहता है किसी भी एरिया में, उसे कहा जाता है वहाँ की एवरेज ना वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लाइमेट क्या होता है? इज द एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे टाइम तक, लंबे समय तक जब किसी एरिया में एक ही तरह का जो मौसम रहता है, लाइक किसी कोई एरिया है जहाँ पे बहुत टाइम तक कंटिन्यू साल में ज़्यादातर टाइम बारिश ही रहती है या ठंड रहती है या गर्मी रहती है, तो वो वहाँ के वो क्या है, वो वहाँ का क्लाइमेट है। लाइक हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, सो इन नॉर्थ इंडिया वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, हिमालय है, तो उसकी वजह से वहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है, मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, ठंडा हो गया। उसी तरह से अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया की वजह से वहाँ पे गर्मी जो है वो कैसी है, ज़्यादा है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास का एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे क्या गर्मी ज़्यादा होगी। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट एंड ह्यूमिड। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी एरिया के एक सामान्य तौर पर रहने वाला जो मौसम होता है कि वहाँ पे या तो ज़्यादातर गर्मी ही रहती है या ज़्यादा सर्दी ही रहती है, तो उसे वहाँ का हम क्लाइमेट कह सकते हैं। मतलब एक एवरेज में रहने वाला कि सामान्य तौर पे वहाँ ऐसा ही मौसम रहता है। तो द क्लाइमेट इज़ एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी भी एरिया में रहने वाला जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या जो भी मौसम है, उसे वहाँ का क्लाइमेट कहा जाता है। इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया के अंदर आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो इंडिया में क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स पाया जाता है। लाइक हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हेन वी गो इन नॉर्थ इंडिया वी एक्सपीरियंस द कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट हम जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। सो दैट्स वाई इंडिया में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोकेशन, फिजियोग्राफी, मॉनसून विंड्स एंड द कंट्रीज लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंड आफ्टर द क्लाइमेट। और इन सब जो इंडिया के क्लाइमेट है उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाइक फिजियोग्राफी, मॉनसून विंड्स, कंट्रीज जो इंडिया की जो लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये सब चीज़ें जो है हमारे कंट्री के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब इनकी वजह से हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है इंडिया का वो प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है। इवन हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 4 to 6 टाइप के जो वेदर्स हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक समर्स, मॉनसून, विंटर्स, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न। तो इन हम यहाँ पे इस तरह से
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं. और इन और द रीज़न ऑफ दिस द फिजियोग्राफी, मॉनसून विंड्स एंड लोकेशन एंड कंट्रीज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. और इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की क्लाइमेट को इफेक्ट करती है. अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया में हम ज़्यादातर जो है कुछ मेजर सीजन्स को यहाँ हम देख सकते हैं. लाइक ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर कोल्ड वेदर, यानी ठंड का मौसम जिसे हम विंटर्स कहते हैं. इट इज़ फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी. कब तक रहता है? दिसंबर टू फेब्रवरी. कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर टू फेब्रवरी. दिसंबर से फेब्रवरी तक हमारे यहाँ कोल्ड विंटर सीजन है. इवन ये मिडिल ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, यानी नवंबर के बीच से ही ऑलमोस्ट ये विंटर सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हॉट वेदर सीजन यानी गर्म सीजन कॉल्ड समर, जिसे क्या कहा जाता है? समर कहा जाता है. मार्च टू मिड जून, जो कब से? मार्च से और जून, मिडिल ऑफ जून, जून के बीच में, यानी 15 जून तक जो है गर्मी का सीजन रहता है. कब से? फ्रॉम मार्च टू मिड जून. एंड साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, और साउथ वेस्ट का जो मानसून सीज़न है जिसे हम रेनी सीज़न भी कहते हैं, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम मिड जून टू सेप्टेम्बर. ये कब से? मिड ऑफ जून, यानी 15 जून से स्टार्ट होता है और सेप्टेम्बर तक रहता है. तो अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? इट इज़ रेनी सीज़न. तो इस तरह से हमारे इंडिया में 4 मेजर सीजन्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. फर्स्ट विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी, एंड हॉट वेदर सीजन समर सीजन मार्च टू मिड जून, एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी रेनी सीजन मिड जून टू सेप्टेम्बर. एंड लास्ट वन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसे रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीजन भी कहा जाता है, यानी पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है. ये होता है अक्टूबर टू नवंबर. रिट्रीटिंग का मीनिंग होता है जब हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया से मानसून विंड्स रिटर्न होकर वापस कहाँ जाती है? साउथ वेस्ट में जाती है. तो उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, यानी मौसम का लौटना. बारिश का जो मौसम, जो हमारे यहाँ साउथ वेस्ट से जब विंड्स आती हैं और मौसम हमारे यहाँ क्या कहती है, मानसून स्टार्ट करती हैं, वही विंड्स अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में वापस यानी रिटर्न होती हैं और कहाँ चली जाती हैं? नॉर्थ से साउथ वेस्ट में लौट जाती हैं, वापस चली जाती हैं. तो इससे कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून. इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द विंटर सीज़न. विंटर सीज़न हम अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अब फर्स्ट सीज़न इज़ द विंटर सीज़न, यानी सर्दी का मौसम. द विंटर सीज़न स्टार्ट रफली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज अप टू द मिडिल ऑफ मार्च. जो विंटर सीज़न होता है वो जो है नवंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. मतलब जो कड़ाके की सर्दी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड मौसम जब होता है वो कब होता है? वो दिसंबर में होता है. बट ये स्टार्ट कब से होने लग जाता है? नवंबर से स्टार्ट होने लग जाता है और ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ मार्च तक चलता है, यानी 10 से 15 मार्च तक ये कंटिन्यू चलता है. ड्यूरिंग विंटर सीजन द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. और विंटर सीजन में क्या होता है, जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है. ड्यूरिंग विंटर सीजन द डेज आर शॉर्टर देन एंड द नाइट्स आर लॉन्गर, रातें लंबी हो जाती हैं. द कोस्टल एरियाज आर कंपरेटिवली वार्म इवन इन दिस मंथ. बट जो कोस्टल एरियाज होते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे यहाँ के एरिया से कोस्टल एरियाज को, तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं. इट मीन्स लाइक अभी नवंबर आने वाला है और नवंबर में हमारे यहाँ विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा, सर्दियाँ होंगी, कोल्डनेस होगी, ठंडाई होगी. बट हम इसी चीज़ को
इसी टाइम पीरियड में अगर कोस्टल एरिया से कंपेयर करते हैं तो कोस्टल एरियाज क्या होंगे, वार्म होंगे, गर्म होंगे. देर इज हैवी स्नोफॉल इन द हिमालय माउंटेन रेंजेस. और इस सीजन में, विंटर सीजन में जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है वहां पे हैवी रेनफॉल होता है, भारी बारिश होती है. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन. और जनवरी जो है वो इस सीजन का सबसे ठंडा मंथ होता है. सबसे ज्यादा सर्दी जो है मिडिल ऑफ दिसंबर से मिडिल ऑफ जनवरी तक होती है, ये याद रखिएगा. इवन कई बार कंप्लीट जनवरी भी बहुत ठंडा रहता है, बट मोस्टली क्या होता है मिडिल ऑफ दिसंबर से, यानी 15 दिसंबर के बाद और 25 दिसंबर की नाइट से जो है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो जनवरी तक रहती है. साउथ इंडिया रिमेन कूल डूरिंग द विंटर सीजन. और विंटर सीजन में जो साउथ एरिया, साउथ इंडिया का जो एरिया आता है, यानी कि साउथ इंडिया जो है वो भी ठंडा रहता है. इन द सैंडी रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. और अगर हम वेस्टर्न राजस्थान के सैंडी एरिया यानी थार के रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कोल्ड एट नाइट डूरिंग विंटर बिकॉज बेयर सॉइल कूल्स मोर क्विकली देन सॉइल विथ वेजिटेशन कवर. तो अगर हम इसी विंटर सीजन में वेस्टर्न राजस्थान के जो सैंडी एरिया यानी रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है रातों में. रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सैंड है, वेजिटेशंस नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रेत है, सैंड है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वेजिटेशन कवर एरिया से, मतलब जहाँ पे वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उन एरिया के साथ अगर हम इस रेगिस्तान को कंपेयर करते हैं तो जो सॉइल होती है, जो सैंड होती है वो क्विकली है ना जो है कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है उन एरिया के मुकाबले जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में कोई पेड़ तो होता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ की रेत जो है जल्दी ठंडी हो जाती है उन एरिया के मुकाबले जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं. सो विंटर सीजन में क्या होता है, जो वेस्टर्न राजस्थान होता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट इन टूडेज क्लास. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye-bye.